नमस्कार दोस्तों। दो कुआरी दो बहता दो विधवा दो बांझ, ये आठों प्यारी लगे जब जब होवे सांझ। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इसका क्या अर्थ होगा, क्या होगा ऐसा। बहुत सारे जगह आपने देखा भी होगा, मैं आज आपको बताना चाहूँगा। इसका अर्थ वही है, बालक पैदा होने से बुढ़ापे तक का जो मोह माया जिसमें फंसा रहता है, जो परिस्थिति में, सारा आंसर वही है। बालक पैदा हुआ तो आप देखेंगे कितनी मोह होती है अपने माँ बाप के प्रति, माँ के प्रति। थोड़ा बड़ा हुआ तो अपने भाई बहन के प्रति हुआ उसका, भाई बहन और माता पिता, फिर माता पिता में भी प्यार बढ़ा। फिर जैसे कुछ बड़ा हुआ तो अपनी दोस्तों के प्रति, फिर बड़ा हुआ शादी हुई तो अपनी पत्नी के में प्रेम में, फिर जब बालक हुआ तो अपने बालक के प्रेम में, फिर जब कुछ उम्र हुई तब आप देखेंगे कि वह अपने बालक के बालक के प्रेम में हो जाता है, यानी कि अपने नाती पोतों के उसमें हो जा रहा है। फिर अपने धन दौलत मोह माया में भी रहता है कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या करूं, फिर अपने नातियों को क्या दूं, क्या कैसे बना के जाऊं, कितनी संपत्ति बना जाऊं। और ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते आप देखेंगे कि शुरू से लेके अंत तक वो मोह माया के उसमें ही फंसता चला जाता है। मतलब जैसे ही बढ़ता जा रहा है वैसे ही उसको सारी चीज़ें प्यारी लगने लगती हैं। कहीं जवानी में अपना हुनर लेके, पैदा होने से लेके माँ से प्यार है, भाई बहन का, माता पिता का, पत्नी का, बच्चे का, बच्चे के बच्चे का, नाती पंती पूरा, लड़की के लड़की के बच्चे का, फिर धन दौलत का, अपने घरवार का, बिजनेस का, सारी चीज़ें उसको घेर के रखती हैं और बड़े उसमें फंसा रह जाता है कि अरे यार अभी इतना बनाना है, अभी बनाना है, अभी इससे प्यार करना है, अभी इसका चाहना है, अब ये, मतलब उसको मोह में बिल्कुल उलझा हुआ रहता है जीवन हर व्यक्ति का। यही है इसका पहेली का, आप देख रहे होंगे कि आंसर भी शायद लगभग लगभग यही आना चाहिए, जबकि बहुत अच्छा अद्भुत पहेली है। लोग इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होंगे कि दो कुआरी दो बहता दो विधवा दो बांझ, ये आठों प्यारी लगे जब जब होवे सांझ। मतलब जैसे जैसे आपका जिस चरण में आप पहुंचते जाते हैं वैसे वैसे आपको हर चीज़ प्यारी लगने लगती है। जिस ढंग से आप देखेंगे उस ढंग से प्यारी लगने लगती है हर चीज़ का मोह माया में। धन्यवाद दोस्तों, आगे भी मैं आपको ऐसा बताऊँगा।